दोस्तों आईपीएल 2023 की ट्रेड विंडो खुल चुकी है और ट्रेड विंडो खुले हुए 15 से 20 दिन हो चुके हैं और सभी टीमें पूरी तरह से तैयारियों में लग चुकी हैं ट्रेड विंडो के लिए। तो अब 7 बड़े नाम सामने आ रहे हैं जो आईपीएल 2023 में ट्रेड होने वाले हैं। आखिर वो 7 बड़े नाम कौन से हैं मैं स्टूडियो में आपको आगे बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहना और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। वैसे दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो। तो आइए चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो खिलाड़ी है अंबाती रायडू। अंबाती रायडू आईपीएल 2022 में चेन्नई सुपर किंग के लिए खेलते। चेन्नई सुपर किंग ने इस खिलाड़ी को काफी महंगे में खरीदा था लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। तो आईपीएल 2023 से पहले चेन्नई सुपर किंग इस खिलाड़ी को ट्रेड करना चाह रही है। अब ट्रेड होकर चेन्नई सुपर किंग से सनराइजर्स हैदराबाद में शामिल हो सकते हैं। वहीं दूसरे जो खिलाड़ी हैं केएस भरत है। केएस भरत आईपीएल 2022 में दिल्ली कैपिटल के खेले थे लेकिन इनको मात्र 102 मैच में ही खेलने का मौका मिला। काफी बेहतरीन ओपनर विकेट कीपर बल्लेबाज है लेकिन अब इस खिलाड़ी को दिल्ली कैपिटल ट्रेड करना चाह रहे और ट्रेड होकर वापस ये रॉयल चैलेंजर बेंगलोर में शामिल हो सकते हैं। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर इस खिलाड़ी को अपने स्क्वाड में ट्रेड करने के लिए पूरी तरह से तैयारियों में जुट चुकी है। वहीं तीसरे जो खिलाड़ी हरप्रीत बरार है। हरप्रीत बरार एक बेहतरीन ऑलराउंडर में शुमार होते हैं। काफी अच्छे और घातक बॉलिंग करते हैं लेकिन अब पंजाब किंग इस खिलाड़ी को ट्रेड करना चाह रही है। अब ट्रेड होकर ये रॉयल चैलेंजर बेंगलोर में शामिल हो सकते हैं। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर इस खिलाड़ी को ट्रेड कर सकती है। वहीं चौथे जो खिलाड़ी हैं सैम बिलिंग है। सैम बिलिंग बेहतरीन विकेट कीपर टॉप ऑर्डर ओपनर बल्लेबाज है। आईपीएल 2022 में इन्होंने केकेआर के लिए खेला था लेकिन अब केकेआर से ट्रेड होकर सनराइजर्स हैदराबाद में शामिल हो सकते हैं। वहीं पांचवे जो खिलाड़ी है मार्कस स्टोनिस है। मार्कस स्टोनिस को आईपीएल 2022 से पहले इस खिलाड़ी को सबसे पहले लखनऊ सुपर जायंट ने अपने स्क्वाड में शामिल किया था लेकिन आईपीएल 2022 में पूरी तरह से फ्लॉप रहे, बिल्कुल भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। तो ये लखनऊ सुपर जायंट से ट्रेड होकर चेन्नई सुपर किंग में शामिल हो सकते हैं और चेन्नई सुपर किंग इस खिलाड़ी को अपने स्क्वाड में शामिल कर सकती है ट्रेड करके। खिलाड़ी है मैथ्यू वेड है। मैथ्यू वेड आईपीएल 2022 में गुजरात टाइटन के लिए खेले थे, बिल्कुल भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। ओपनिंग कर रहे थे गुजरात टाइटन के लिए लेकिन अच्छा मौका इनको जरूर मिले लेकिन मौके का फायदा नहीं उठा पाए। तो मैथ्यू वेड को गुजरात टाइटन ट्रेड करके पंजाब किंग में शुमार कर सकते हो। तो पंजाब किंग इस खिलाड़ी को खरीदने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर चुकी है। तो ये गुजरात टाइटन से ट्रेड होकर पंजाब किंग में शामिल होने वाले। वही सातवें जो खिलाड़ी हैं अनुज रावत है। अनुज रावत को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने काफी महंगे में अपने स्क्वाड में शामिल किया था आईपीएल 2022 में। 5 से 6 मैचों में इन्होंने ओपनिंग भी की थी लेकिन ओपनिंग के तौर पर बुरी तरह से फ्लॉप रहे। तो अनुज रावत को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ट्रेड करना चाह रही है। अब ये ट्रेड होकर केकेआर में शामिल हो सकते हैं। केकेआर इस खिलाड़ी को ट्रेड कर सकती है। दोस्तों आपको क्या लगता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर गुजरात टाइटंस पंजाब किंग किन खिलाड़ी को ट्रेड करके अपने स्क्वाड में शामिल करेंगे आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।